आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले उनेलग्राम में पिछले कई दिनों से बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर वह रात को अनजान कंबल पोश लोगों के संदिग्ध अवस्था में ग्रामीणों के घर के बाहर ताक चाक करने जैसी बातों को लेकर व मध्य रात्रि के समय उचित गश्त न होने से नाराज व परेशान होकर गांव की महिलाओं ने उन्हें थाना परिसर में एसआई त्रिलोक धाकड़ को घेर कर जमकर हंगामा किया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी मांग रखी। गौरतलब है कि चोरी की बढ़ती वारदातों व चोरों के बुलंद होते हौसले के पीछे के मुख्य कारण में लोगों का कहना है कि उन्हें थाने में पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से थानाधिकारी का पद रिक्त है, लेकिन अभी तक आचार संहिता के बाद से इस पद पर उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई पूर्ति नहीं की गई। इससे लगता है कि प्रशासन व उच्च अधिकारी वर्ग बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में एसआई त्रिलोक चंद धाकड़ के द्वारा कार्यभार का निर्वहन किया जा रहा है। खबर आपकी राजस्थान से बलवंत जैन की स्पेशल रिपोर्ट। पिछले 7 दिनों से आए दिन अनजान व्यक्ति रात को कम्बल ओढ़ के चश्मा लगा के बिना चप्पल के घूम रहे हैं। हर होटले पे अब बैठ रहे हैं, दो 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 व्यक्ति हर थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए रख के बैठ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सुरक्षा चाहिए वार्ड नंबर 6 में, 6 और 5 और हमारी सुनवाई सभी को होनी चाहिए। वार्ड नंबर 5 में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक चोरी की कोई वारदात हुई क्या आपके मोहल्ले में से? कहाँ हुई? ये आदमी 8 आदमी रोज आते हैं और 2 आदमी देते हैं सतनाम मंदिर के पास ही, वार्ड 6 में और 8 में चोरी हुई। दाल के डब्बे ले गए, शक्कर के डब्बे ले गए, कुछ भी कपड़े ले गए, पेटीकोट ले गया, नारायण का मंदिर तक हमने नहीं छोड़ा, नंदलाल गोदारी नहीं छोड़ा, मकान तक अपने यात्रा घूमने घर तक तालाब तक। नागेश्वर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को लेकर आपका क्या कहना है? इसी 10-15 औरतें आकर के इस चीज़ की शिकायत करी कि साहब रात को बदमाशान वगैरह घूमते हैं, जबकि रात को 12-1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गश्त रहती है। मैं खुद 12-1 बजे से 5 बजे तक कस्बे में गश्त करता हूँ। ऐसी बात है तो कस्बे में या किसी को भी फ़ोन करके बता दो, हर गली में हर घर के वहाँ तो आदमी रह नहीं सकता, 5-7-8 आदमी ज़्यादा ज़्यादा गश्त में रहते हैं कस्बे में, और गश्त बढ़ाई जाएगी और जो शिकायत करें इनका समाधान किया जाएगा और गश्त बढ़ाई जाएगी कस्बे में, बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम रहना।